बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अखरोट का हलवा। टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी होगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप ज़रूर से बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह से इस डिलीशियस और सुपर टेस्टी से अखरोट के हलवे को बनाना है। सबसे पहले हम एक पैन को गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म हो जाए, एक कप भर के हम लेंगे अखरोट। तो एक कप है मतलब कि ये 120 या 125 ग्राम के करीब है इसका वज़न। तो इसको बस अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो ये जब अच्छे से भुन जाए 10 से 12 मिनट, फिर फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, आसानी से टूट रहा है। तो इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे और बिल्कुल फाइन सा इसका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए अखरोट का पाउडर बनकर तैयार है। तो सेम पैन यूज़ करना है जिस पैन में हमने इसे ड्राई रोस्ट किया है। तो उसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी लेंगे, देसी घी है। तो कभी भी हलवा वगैरह देसी घी में ही बनाए, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसमें पूरा ये जो पाउडर करके रखे हैं हम अखरोट, ये पूरा इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छे से खुशबू आ जाए और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये अच्छे से भुना हुआ होगा तो हलवा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बस आपने ध्यान इस बात का रखना है कि फ्लेम को हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए पकाएँगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद ये अच्छे से भुन जाएगा। तो आपको देखिए कलर से अंदाज़ा होगा, जब इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो ये हमारा अच्छे से पक गया है, अच्छे से भुन गया है। घी भी थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही दूध है, और आधा कप इसमें हम शक्कर डालेंगे। शक्कर आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट था मीठा। लेकिन अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। तो बस इसको दूध और शक्कर डालने के बाद इसको लगातार हमने चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा। और इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट तक लगातार मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे, जब तक कि हलवे की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती जब तक हम इसे कुक करेंगे। तो जैसे जैसे ये पकते जाएगा तो घी साइड से अलग होने लगेगा। स्टार्ट में ये बहुत ज़्यादा पतला है, लेकिन जैसे जैसे ये पकते जाएगा ये डार्क होते जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ा होने लगा है और साइड में घी भी रिलीज़ होने लगा है। तो ये जब डो जैसा बनेगा उतना ही हमें इसे पकाना है। तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो बस इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर, और इलायची का पाउडर डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छे से चलाएंगे पकाते हुए। तो ये देखिए चलाते ही रहना है पैन, ये देखिए अच्छे से छोड़ने लगा है और ये हमारा डो जैसा बनने लगा है। बस इस स्टेज पे हम इसे सर्व करेंगे, सर्विंग डिश में इसे फटाफट से ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको बर्फ़ी का शेप भी दे सकते हैं, बटर पेपर लगा के केक टिन में सेट करके इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और इसको बर्फ़ी के जैसा काट भी सकते हैं। लेकिन मैं इसे एज अ ये हलवे की तरह ही सर्व करूँगी। तो ये देखिए इसको सिंपली हमने जिसमें सर्व करना है सर्विंग डिश में निकालना है, और ऊपर से थोड़ा सा अखरोट को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल देना है इसमें। तो ये देखिए इस तरह से, और चॉप किया हुआ अखरोट इसके ऊपर हम डालेंगे। बहुत ही अच्छे से हमने इसको गार्निश कर देना है और ये सुपर टेस्टी और डिलीशियस हमारा बहुत ही यमी अखरोट का हलवा बनकर तैयार है। अखरोट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो अगर आप इसे खाना चाहते हैं, अगर आपको, बहुत से लोगों को अखरोट नहीं पसंद आता है, थोड़ी सी अलग सा उसका टेस्ट होता है, तो आप इस हलवे को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, परफेक्ट मेज़रमेंट है और परफेक्ट रेसिपी है। तो बस अखरोट से इसे गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए और इसको सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस बेल की नोटिफिकेशन को ऑन करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए।